पाकिस्तान से मैं हूं और आप देख रहे हैं क्रिकेट विद अफजल। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लें। भाईजान, विराट कोहली ने 186 की इनिंग खेली है, और मतलब क्या इनिंग्स खेली है विराट कोहली ने। विराट कोहली ने मतलब सबके मुंह भी बंद कर दिए और 7 इनिंग्स भी खेली है। पाकिस्तान में इसके बारे से क्या बातें की जा रही है, देखें। शुएब अख्तर विराट कोहली का आपको पता है कि कितने हद से ज्यादा बड़े फैन है। मैं सबसे ज्यादा बड़ा फैन हूं, लेकिन शुएब अख्तर ने जो बात किया विराट कोहली के 100 को लेके, पाकिस्तान में क्या बातें चल रही है। देखिये, विराट कोहली के पाकिस्तान में बड़े ज्यादा फैंस हैं और बड़े ट्रू फैंस हैं विराट कोहली के पाकिस्तान में। विराट कोहली के भाई 100 को लेके, इस 186 को लेके, देखिये ये डबल 100 हो सकता था शुएब अख्तर ने बोला, लेकिन शुएब अख्तर ने साथ ये बात किया कि विराट कोहली ने बाबर आजम की तरह नहीं खेला। विराट कोहली टीम के लिए खेलने के लिए गए हैं। अगर वो बाबर आजम की तरह खेलते तो फिर वो 200 कर सकते थे, क्योंकि बाबर आजम जब 80s पे आता है या 90s पे आता है तो फिर वो बाबर आजम अपने लिए खेलने के लिए चला जाता है। ये तो साइमन डूल ने भी बात किया ना। अब विराट कोहली ने 186 पे अब क्या किया, अगर विराट कोहली ने टीम के लिए सोचा कि मैं टीम के लिए टोटल करूंगा तो वो ज्यादा कारामा साबित रहेगा। लेकिन विराट कोहली अगर अपने लिए खेलते तो वो 200 कर सकते थे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट। और ये विराट कोहली क्रिकेट का किंग एवं नहीं बन गया हुआ, परफॉर्मेंसेज दे दे के बना हुआ है। ये जो आपने पीछे घंटा लगाया हुआ है ना बाबर आजम, सर आपने बाबर आजम की पिशावर जमी वाली इनिंग्स देखी है ना, जब 80s पे खेल रहा था। साइमन डूल ने क्या बात की कि बाबर आजम ने टीम के लिए तो सोचा ही नहीं है, बाबर आजम अपने इंडिविजुअल्स के लिए खेल रहे हैं। तो जो बंदा इंडिविजुअल्स के लिए खेलता है वो बंदा कुछ नहीं कर सकता। किधर गए हैं वो घंटे के फैंस जो कह रहे थे कि सर विराट कोहली खत्म हो चुका हुआ है, विराट कोहली रन नहीं कर रहा, विराट कोहली को बाहर निकालो, ये करो वो करो। आज विराट कोहली तनहा खड़ा रहे और 186 की इनिंग खेल के गया, ये 200 भी हो सकता था। स्टीव स्मिथ को पता है कि ये कितनी बड़ी इनिंग्स खेल के गया वो। स्टीव स्मिथ को पता है कि हमारे सिरे चढ़ गया विराट कोहली। अगर हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को बराबर कर सकते थे तो एक बंदा था जिसने नहीं करने दिया, उसका नाम है विराट किंग कोहली। और विराट कोहली ने फाइनली टेस्ट क्रिकेट में भी आज अपना 100 कर दिया। T20 में आपको पता है कि एशिया कप में 100 निकला था, वनडे में आपको पता है कि 100 निकलते आ रहे हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट वाला भी 100 निकल के आ गया। 75 टाइम्स बंदे के इंटरनेशनल क्रिकेट में, मुझे कोई एक बंदा ला के दिखा दो, मुझे पूरी दुनिया में ना इस टाइम जो क्रिकेट खेल रहे हैं कोई एक सिंगल बंदा भी ला के दिखा दो। बाबर आजम घंटे की बात करते हो ना सर, 2800 है उसके, और 28 में से ना आधे से ज्यादा तो मुझे लगता है कि 70% तो जिम्बाब्वे के खिलाफ है, और ज्यादा से ज्यादा तो लूजिंग का हाथ में। जब रन करता है टीम हारती है, जब रन करता है टीम हारती है। सर आज टीम जीती है विराट कोहली की वजह से। विराट कोहली की वजह से इंडिया ने भजन 650 रन लगाए हैं, 80-90 की लीड ले गए हैं। इतना कोई महान बैट्समैन है वर्ल्ड क्रिकेट में तो मुझे बता दो। अच्छा, जो लोग बात कर रहे थे ना कि विराट कोहली खत्म हो चुका है, सर विराट कोहली खत्म नहीं हुआ, विराट कोहली फिर से शुरू हो गया, क्योंकि अब उसका जो लैंडमार्क है ना, अब उसने 100 करना है इंटरनेशनल क्रिकेट में। आज वो डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ सकते थे कि घरेलू क्रिकेट में भाईजान घर में 7 डबल 8 डबल 100 करना। मतलब यार विराट कोहली का क्या ही लेवल है। विराट कोहली ने सबके मुंह बंद कर दिया। और चेतन शर्मा जो उस दिन बकवास कर रहा था ना बैठ के कि जी हमने विराट कोहली को कप्तानी से उतारा, हमने विराट कोहली के साथ ये किया, आज शुएब अख्तर ने यही बात किया ना कि विराट कोहली हमेशा अपने बल्ले से रन करते हैं, अपने बल्ले से जवाब देते हैं। और अच्छे प्लेयर की क्वालिटी यही होती है कि वो अपने बल्ले से जवाब देता है, ना कि बातों से आके जवाब देना जी ये कर दूंगा वो कर दूंगा, या बाबर आजम की डेफिनेटली वाली वो चुल मच के दफा हो जाए ना। विराट कोहली ने हमेशा अपने बल्ले से रन किया, जब वो बंदा अपने बल्ले से रन करता है ना, बल्ले से जवाब देता है। लेकिन एक मुझे एज अ विराट फैन ये चीज फील हुई है कि जो विराट कोहली का वो अग्रेशन वाला स्टाइल था ना, आज वो नजर नहीं आया। मतलब बिल्कुल कूल एंड काम विराट ने 100 सेलिब्रेट किया, 150 भी उसी तरह सेलिब्रेट किया, लेकिन कहीं ना कहीं विराट कोहली भी इस बात को लेकर गए होंगे कि 200 नहीं हुआ मेरा। देखिए, विराट कोहली ने इतने लंबे टाइम के बाद 2019 के बाद आज 100 स्कोर करने वाले थे, लेकिन नहीं किया, टीम के लिए नहीं किया। अगर नहीं किया तो टीम के लिए नहीं किया, अगर करना चाहते तो कर सकते थे। अगर सिंगल्स के लिए खेलते तो फिर विराट कोहली ने कर लेना था, कल शायद कल कर लेते, लेकिन उनका था कि टीम के लिए करूं जल्दी जल्दी, ताकि ऑस्ट्रेलिया को हमने 5-7 ओवर खेलने के लिए देने आज। तो वही टीम वही किया चीज, और वही चीज करके विराट कोहली आज चले गया। अभी ऑस्ट्रेलिया ने भाईजान ये टेस्ट मैच तो बचा नहीं सकती, या ऑस्ट्रेलिया ये हारेगी या टेस्ट मैच ये ड्रॉ होगा। ऑस्ट्रेलिया जीत इधर से नहीं सकती, एक दिन में ऑस्ट्रेलिया के साथ इतना कोई महान चीज नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया जीते। और पाकिस्तान की टीम नहीं है कि आओगे व्हाइट वॉश करके चले जाओगे, आओगे पाकिस्तान को घर में हरा के चले जाओगे। भाईजान इंडियन क्रिकेट है, और इंडिया में आपको इंडिया में क्या किया ऑस्ट्रेलिया ने 2004 के बाद, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी नहीं जीत पा रहे, 4 लगातार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफियां ऑस्ट्रेलिया हार रहा है। इससे बड़ी बात बुरी बात क्या हो सकती है। अभी ऑस्ट्रेलियन मीडिया की तो मैंने देखा ही नहीं है उनके क्या हाल है, वो तो भाईजान पिट रहे होंगे, मातम चढ़ा होगा उनके घर में तो, क्योंकि विराट कोहली ने आके अकेले खड़े होके क्या इनिंग्स खेल दिया। लेकिन इसके साथ अक्षर पटेल की भी बात करनी पड़ेगी।
अक्षर पटेल ने 79 रन की आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली है, इवन के वो उन पिचेस पे भी रन करता रहा जिन पिचेस के ऊपर कोई बंदा खड़ा भी नहीं था हो रहा। तो अक्षर पटेल के लिए भी भाईजान बड़ी ज्यादा, वो कहते हैं ना कि एक कंग्रेचुलेशन है, बड़ी जबरदस्त इनिंग खेल गया है। देखें टीम में जब आप होते हो ना तब आप कहीं ना कहीं सिचुएशन के ऊपर टीम के लिए मददगार साबित हो ही सकते हो, लेकिन इन दी एंड यार इंडिया ने बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली है। वीडियो को अच्छी लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इंस्टा पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अल्लाह हाफिज़। विराट कोहली का 200 का मुझे भी बड़ा पर्सनली दुख हुआ है, लेकिन चलो कोई नहीं, 180 के लिए हम खुश हैं, इसमें खुश हैं कि विराट के फैंस हम खुश हैं कि 100 तो निकल गया है ना कम से कम।